नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया पोटैटो हिंदी। आज मैं आ चुका हूँ श्रीराम कोल्ड स्टोरेज मैनपुरी पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वानगी निकली हुई है लाल आलू की, और इस साइड ये सफ़ेद हाइब्रिड आलू लगा हुआ है। अभी हमारे साथ इस कोल्ड स्टोरेज के व्यापारी हैं, इनसे आलू के बारे में बात करेंगे और पूछेंगे क्या रेट आलू की बिक्री चल रही है। और इस वीडियो में मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट की आलू के बारे में आपको समस्त जानकारी मिलेगी कि पिछले दिनों से आलू महंगा हुआ है, सस्ता हुआ है, और क्या कैसी निकासी हो चुकी है। आलू के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते भाई साहब। आप अपना नाम और जिस कोल्ड स्टोरेज में जिस लोकेशन पर है एक बार वो आप बता दें। मैं फाले नबी, श्रीराम कोल्ड स्टोर मैनपुरी। ये जो हम आलू देख रहे हैं वीडियो में जी, ये कौन सा आलू है? ये लॉकर आलू है। लॉकर आलू है? एलआर इसको बोला करते हैं? नहीं, एलआर अलग होता है। एलआर अलग होता है, एलआर अलग तरीके का आलू होता है। ये जो लॉकर आलू है, इस आलू की आज क्या रेट बिक्री हुई है? इसकी 1291 रुपए बिका है। 1251 रुपए प्रति पैकेट। 1291 91। ये जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये लॉकर आलू है, ये श्रीराम कोल्ड स्टोरेज मैन डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में ये 1291 रुपए पैकेट की बिक्री हुई है। और 53 किलो तौल लेती है? हाँ, 53 किलो। 53 किलो तौल की बिक्री हुई है इसकी। और इस साइड जो हम आपको सफ़ेद आलू दिखा रहे हैं, ये हाइब्रिड आलू, ये 1216 रुपए बिका है। ये जो 1216 रुपए पैकेट की इसकी बिक्री हुई है, 53 केजी प्रति पैकेट, 53 केजी श्रीराम कोल्ड स्टोरेज में और डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में। और भी वानगी खुली जैसे इसके अलावा और भी वानगी खुली है? और वानगी बिकी है वही 1200 रुपए, सब ऊपर आलू बिका है। 1200 रुपए से सब ऊपर बिका है। हाइब्रिड लाल 13-13.5 तक बिका है। सबसे महंगे में ये यहाँ पर लॉकर ही आलू ज़्यादा रखा जाता है? हाँ, लॉक नहीं, सब आलू रखा जाता है। लॉकर सफ़ेद न्यूलैंड 1250 रुपए बिका है। हम देख रहे हैं जैसे आलू निकासी की आज कई वानगी खुली है, 3 से 4 वानगी हम देख रहे हैं। उस रूम में भी एक दो खुली है। और ये जो एक गाड़ी भी लोड हो रही है, तो इसका मतलब अभी धूमधाम से निकासी आलू भी हो रही है? निकासी सही हो रही है, हर साल की अपेक्षा सही निकासी हो रही है। अभी तक इस कोल्ड स्टोरेज में, श्रीराम कोल्ड स्टोरेज में कितनी निकासी हो चुकी है? 10 से 12% निकासी हो चुकी है। कितनी? 10 से 15% 10 से 15%। और इस समय जो आज का जो आज 24 जून है, तो आज की डेट में पिछली साल इस समय तक कितनी निकासी हो चुकी थी? लगभग इतनी पिछले साल निकल गया था। पिछली साल भी इतना ही निकला था? 10 से 15% निकल गया था। और इस साल आपको क्या रोक लग रहा है जैसे आलू का आगे भविष्य में आप व्यापार कर? थोड़ा मद्दा आना चाहिए आलू में, पोजीशन पोजीशन गिरना चाहिए। जिस हिसाब से मंडियों में पड़ता नहीं, यहाँ पड़ता आपका महंगा बिक रहा है, मंडियों में मद्दा बिक रहा है, उस हिसाब से कुछ पोजीशन गिरना चाहिए। जैसे जो महंगा आप बता रहे हैं मंडियों में सस्ता बिक रहा है, यहाँ पर महंगा बिक रहा है। हाँ, व्यापारियों में आपस में कंपटीशन, इस वजह से महंगा बिक रहा है। कंपटीशन के अलावा लोग आस पे ले रहे हैं, मतलब भविष्य में तेज हो जाएगा, इसलिए लोग लेकर रख रहे हैं ज़्यादातर। जो व्यापारी लोग हैं कोल्ड स्टोरेज में खरीद के कोल्ड स्टोर में ही रख रहे हैं उम्मीद के ऊपर। और एक जानकारी और मिली है मुझे, जैसे अभी तक जो पिछले 2 महीने तक निकासी चल रही है, तो उसमें ज़्यादा निकासी का रुझान हो रहा है, तो व्यापारी लोगों ने ज़्यादा निकाला? व्यापारी अपना माल ज़्यादा निकाल रहा है, किसान कम आ रहा है। जैसे 90% व्यापारियों ने निकाला, 10% किसानों? हाँ, लगभग 20% मान लो किसान का है, 80% 70% व्यापारी। अगर मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, तो मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में लगभग अभी तक कितने परसेंट? 15% आलू निकासी हुई है। 15% निकासी हो चुकी होगी? हाँ, लगभग। और जैसे सबसे महंगा आलू कौन सी वैरायटी का करता है इस टाइम? लॉकर सबसे महंगा बिक रहा है, 1370 न्यूलैंड सेकंड नंबर पर लॉकर महंगा बिक रहा है। हाँ, सबसे महंगा लॉकर बिक रहा है इस टाइम। और अभी तक आपने कितनी गाड़ियों की निकासी लगभग? लगभग 20-25 गाड़ी हमने लाद दी। 20-25 गाड़ी निकाल चुके। और अगर देखा जाए तो कई जगह बातचीत चल रही थी, कई मीडिया वाले, यूट्यूब चैनल वाले और कई कोल्ड स्टोरेज वाले भी, जैसे आलू लोडिंग के समय पर वो आज साल आलू वैसे भी थोड़ा बहुत 20-30% कम रखा गया है, और कोल्ड स्टोरेज में देखा जाए तो वो लोग बता रहे थे 2000-3000 रुपये इकट्ठे तक बिक्री होगी। उस हिसाब से आलू महंगा भी हो रहा है लगातार, जैसे अप्रैल के महीने में तो आलू महंगा बिका था। भाऊजी आ रहे, भाऊजी से बात कर रहा था इस बारे में। अप्रैल के महीने में तो महंगा बिका था।
मई के महीने में फिर सस्ता हो गया, जून के महीने में फिर आलू की अच्छी खासी तेजी को। भविष्य क्या रहेगा कोई पता नहीं है, अभी आदमी अपना आंकड़ा लगा रहे, कोई जानकारी नहीं, कोई नहीं जानता क्या होगा आगे। हमारा यूट्यूब चैनल है पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के किसान ज़्यादातर उसको देखते हैं वीडियो को, जो हमारे पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर दर्शक वीडियो को देखते हैं और उत्तर प्रदेश के भी देखते हैं, उनको आप किसानों को इस भाव के आलू बेचने चाहिए। बहुत ज़्यादा तेजी के चक्कर में ना रहे, इस भाव के आलू बिक रहे बेचें अपने, जो बिक्री हो रही है उसके हिसाब से किसानों को लगभग सही बिक्री हो रही है, और दो चार दिन देख ले उसके बाद बेचें आलू को, और 200 रुपये इधर उधर करके बेचने चाहिए किसानों को, पैसे अच्छे मिल रहे हैं किसानों को, पैसे ठीक ठाक मिल रहे हैं जी। ये जो सफ़ेद आलू हाइब्रिड आलू बिक्री हुई है, ये 1216 रुपये पैकेट की बिक्री हुई है, आप वीडियो में देख सकते हैं, ये ठीक ठाक अच्छी क्वालिटी का आलू है। और इधर जो लॉकर आलू लगा हुआ है, ये 1291 रुपये पैकेट की बिक्री हुई है, आप लॉकर आलू की भी क्वालिटी देख सकते हैं, ये भी बढ़िया मीडियम आलू है ठीक ठाक। और जो आलू की बिक्री हुआ करती है, हम आपको दिखाया है, इसमें जो कोल्ड स्टोरेज का रेंट होता है वो किसान को ही देना पड़ता है, व्यापारी को बाहर निकला हुआ मिलता है, जो भी भाड़ा लगता है वो किसान को ही देना पड़ता है। जैसे डेली पेमेंट करके जो हमारे दर्शक हैं पूछते हैं कि इसमें कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा कौन देता है, तो इसमें किसान को ही कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा देना पड़ता है। और हम आपको फिर से एक बार दिखा रहे हैं, जो आलू आप वीडियो में देख सकते हैं हाइब्रिड आलू है, ये ख्याति आलू, इस आलू की आज श्री राम कोल्ड स्टोरेज मैनपुरी में बिक्री हुई है 1216 रुपये पैकेट, जो कि 53 किलो तौल की बिक्री हुआ करती है। और इस साइड जो आप देख रहे हैं आलू, ये लॉकर आलू है, इसकी 1291 रुपये पैकेट की आलू हुई है बिक्री। और आलू में महंगाई देखने को मिली है 4 से 5 दिन में, 200 से 300 रुपये क्विंटल की आलू की महंगाई आ चुकी है मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट, और ये जो फर्रुखाबाद और कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में चारों तरफ उत्तर प्रदेश में आलू की महंगाई देखने को मिल रही है। और इस साइड आप देख सकते हैं एक गाड़ी आलू की लोडिंग भी चल रही है, आलू की निकासी अभी सभी कोल्ड स्टोरेज में धूमधाम से चल रही है। इसी प्रकार की आलू संबंधित वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल इंडिया पोटैटो हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।